जिसने पैदा किया और जिस के कब्जे में मेरी रूह है। हाँ, फूड एलर्जी, जहां एलर्जी है ये ध्यान में रखें, वहां टीबी का हाथ जरूर है। जहां एलर्जी, हनीमन राइटर में एल्बम में लिखता है त्योरा में, वो कहते ना बीमारी का जिक्र नहीं करता, वो प्योरा में ये लिखता है कि दुनिया के एक तिहाई पागल खाने मैं वराइटम एल्बम से खाली कर सकता हूं, पढ़ने जाके आज। और एक जगह और काशीराम को पढ़े ट्यूबरकुलोनियम में, वो लिखता है एक डॉक्टर, उसका नाम मैं भूल गया, वो कहता है कि दुनिया के 1/3 पागल ट्यूबरकुलोनियम से मैं ठीक निकाल सकता हूं। तो आधे तो इसी तरह निकल गए दो दवाइयों से। वो भी आधे बच गए ना पीछे, उनका हम सोचते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। वो दो बंदों ने मसला हल कर दिया आपका, और अथॉरिटीज है वो कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं है वो। पढ़ ले जाके मिटीरा मेडिका प्योरा में, वो कहते एक तिहाई पागल खाने में खाली कर सकते हो सिर्फ वराइटम एल्बम से, और दूसरा कहता कि मैं ट्यूबरकुलोनियम से खाली कर सकता हूं। तो पीछे तो आधे ही रह गए ना। वो कहते हैं कौन सा शॉर्टकट है, कौन सा शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट ही है ना, अक्ल की जरूरत है। अब अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो हम तुम्हें कैसे गोल के पिलाएं। जिसको नहीं समझ आ रही उसको हम कैसे गोल के पिलाएं। वो पीपल्स पार्टी वाला होता है ना, मुस्लिम लीग वाला होता है, वो पीटीआई वाला होता है, पता है क्या करते हैं, होटल पे चाय बैठे सारा दिन बस 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 बस, और आखिर गाड़ के जाते हैं। वो पीपल्स पार्टी का नारा मारता है, वो मुस्लिम लीग का मारता है, बात दूसरे की कोई सुनता नहीं है, लेकिन अहले इल्म दूसरे की बात को सुनते हैं। यह फर्क है, वो कन्वेंस होते हैं, वो लॉजिक और मंतक से कन्वेंस होते हैं। हनीमन ने आर्गेनन को लिखा, उसने कितने 100 डॉक्टरों की एग्जांपल दी, पढ़े ना उसको, उसने कहा फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, फलाने ये कहा। वो ये भी कह सकता है मैं इतना बड़ा सिस्टम दे रहा हूं दुनिया को, मैं किसी को नहीं मानता। उसने कहा नहीं, मैं उसको भी मानता हूं, मैं उसको भी मानता हूं। उसने यू कहा, उसने यू कहा, उसने यू कहा, उसने गलत कहा। कुरान पाक में रसूल पाक ने बेशुमार अपने से पहले कौमों के हवाले दिए, बेशुमार अपने से पहले नबियों के, बेशुमार उन जालिमों और फिरौनों के हवाले दिए। तो कहते मैं किसी को नहीं मानता, मेरी अपनी, तो ये कोई बात हुई। अकल जो होती है वो तस्लीम करती है कोई लॉजिक मंतक से गुफ्तगू करे, तो अकल तब मानती है। लिहाजा वो तो है, मैं पीपल्स पार्टी को हूं, मैं जना मुस्लिम लीग, उसमें तो शाम को नहरे चाय शाह पी के बार दफा एक दूसरे के दो थप्पड़ मार के भी उठ के आते, नहीं मैं तो ठीक हूं। इसलिए बेशुमार एलोपैथिक डॉक्टर्स अगर होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट हुए तो क्यों है, अक्ल इस्तेमाल की गई है। मेरी बेटी FCPS सॉरी उस पर MRCP वहां करने गई है इंग्लैंड में, उसने मुझे रात को फोन किया, मेरा एक साल रह गया था होम्योपैथी का, वो मैंने आके करना, मैंने कहा उसकी तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है, उसकी तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है इंग्लैंड में, वो रॉयल जो उसका हॉस्पिटल है डियाना का, उसमें उसकी उसको जॉब करी, ट्रेनिंग भी उसकी। वो कहती है मैं आगे इधर, उन्होंने एक मैं जब मैंने वो पेपर देखा तो उसमें लिखा कि 7% होम्योपैथिक डॉक्टर के एक्स्ट्रा मार्क है अगर उसने किया हुआ है तो, खुदा गवाह है कि 7% डैडी उसके मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो तो मैं आगे करूंगी। तो आप कहां बैठे हुए भाई,
तो आप कहेंगे मैं पैथोलॉजी नहीं मानता मैंने, फिर वो कहेंगे यार ये तो ऐसे ही कोई बेवकूफ लोग हैं। यकीन माने उसने, 7% उसके एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं अगर आपने वो किया हुआ तो, और उसको आपकी वो कोर्स में आपको अहमियत दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है कि इसने अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी किया हुआ है, मतलब यूके जैसी जगह पे। और हम इस सिस्टम के, वो कहते हैं ना दिल के फूफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से, जो इसका खाते हैं इसी के खिलाफ बोलते हैं, जो इसका खाते हैं उसी के खिलाफ बोलते हैं। नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस। अच्छा फूड एलर्जी मैंने आपको कहा था कार्सिनोसन, वो तो उधर बात निकल गई। कार्सिनोसन, ट्यूबरक्लोनियम, सराइनम, आर्टिका यूरिन, एपस, एर्सेनिक, स्टॉकस मोस्ट कॉमनली इसी के अंदर आता करती है फूड एलर्जी। अब जहां हमने नक्स पल्स को नीचे रखा और इसके साथ हम एच पैलोरी का इस्तेमाल करेंगे, अब काली कार्ब, लाइको, चाइना, एसाफोटेडा, कार्बोवेज, रेफनेस, मैन ये दवाइयां गैस कीजिए, मैन दवाइयां ये। आप नुस्खे तरतीब खुद दे सकते हैं, आप नक्स को देखे तो एच पैलोरी को रखें, उसके बाद आप लाइको कार्बोवेज दे सकते हैं, उसके बाद आप काली कार्ब, लाइको कार्बोवेज दे सकते हैं। आप नक्स को रखें, एच पैलोरी को रखें, आप रेफरेंस टाइवा को देंगे आपको मजा आ जाएगा। आप नक्स एच पैलोरी को रखें, आप अर्जेंटम नेट्रिक ऊंचे ऊंचे डकार मारते हैं तो अर्जेंटम नेट्रिक को लगा दें, सिर्फ वैसे डकार आते हैं तो आप लाइको कार्बोवेज को लगा दें, मसला ही हल हो गया गैस्ट्रिक का। ये साइंस हमने बड़ी यहां, और वीकनेस है, कमजोरी है, पुराने गैस्ट्रिक के मसाइल है तो काली कार्ब को नक्स एच पैलोरी पर काली कार्ब दे दें, साथ वीकनेस भी करेगी, गैस को भी ठीक करेगी और गैस्ट्रिक पेन को भी ठीक। हो गया आसान काम। अब रेफनेस अपनी मखसूस सलामत की साथ रहती है, और उसकी मखसूस सलामत यह है कि उसको ना बेल्चिंग होती है, ना उसको डकार आता है, ना उसकी डिस्चार्ज होती है गैस, और वो डोल का डोल बना होता है। दिस इज द रेफनेस टाइम। ऐसा पोटेटो जो है ये भी बड़ी गैस्ट्रिक की दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है और इग्नोर होती है, हड्डियों की बहुत बड़ी दवाई है, नसूर की बहुत बड़ी दवाई है, गैस्ट्रिक की बहुत दवाई है, और ये जो बहुत ज्यादा मैंने कैंसेरियन गैस्ट्रिक जो होती है, कैंसर के जो गैस बनती है स्टमक कैंसर के अंदर, उसके अंदर एसाफोटेडा बहुत अच्छा काम करती है। उसके अंदर एक और दवाई है लोबेलिया इन्फ्लाटा, बहुत अच्छा काम करती है गैस्ट्रिक गैस बनाना। आप ऊंचे ऊंचे डकार बंदा मारता है, आप गैस का एक सवाल कर रहे हैं कि जी आपका डकार जो है वो आपके कमरे से बाहर भी लोग सकते हैं। मैं तो अक्सर ये पूछता हूँ, महल्ले वालों को पता चलता है कि आपको गैस हुई है तो कहते हैं हाँ जी महल्ले वालों को पता चलता है, तो फिर अर्जेंटम नेट्रिक। इतना वो बोरेक्स है, इतना लोडली डकार मारते हैं कि बाहर भी पता चलता है। डिफिकल्ट बेल्चिंग, लोड बेल्चिंग, अर्जेंटम नेट्रिक में। लेकिन बेस बेस नहीं भूलनी आपने, आपने डायरेक्ट अप्लाई करनी है, बेस को हटके अप्लाई करनी है, तो क्या होगा सप्रेशन हो जाएगी, वो डकार दब भी जाएगा, फंस जाएगा। मेरे पास उस दिन एक खातून आई, मैंने उसको नक्शा महिका दी, मैंने उसको पोस्टर दी, कहती है फंसी है गैस कार्बोवेज, कहती आप तो मैं मारी नहीं लगी, अब नहीं मैं बचती, मैं क्या सप्रेशन होगी। मैंने कार्सिनोसन 200 की डोज दी, आप यकीन है उसके अल्फाज से डॉक्टर ने, आप मैं बच गई, अब मैं बच गई, फौरन बेल्चिंग स्टार्ट हो गई, पता नहीं किस वजह से सप्रेशन थी। कार्सिनोसन एकदम एक यूं मार गई, कहती 80 आए, कहती जी बच गई हूं। मैंने इसको कहा था ले चल मैं वहीं से ठीक होंगी,
तो सप्रेशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ना, हो सकता है कोई बैक्टीरिया होगा, कोई मैजिंग होगा तो दबा देगा, वो और रोला पड़ जाएगा। इसलिए दो चीजें पहले सेट कर लें, लक्स को पहले सेट करें, बैसिलियम या एच पायलोरी को सेट करें, फिर अप्लाई करें, फिर आप नहीं फंसे। ठीक है जी, ये आसान कुलिए जो फिलासफरों को नहीं पता।